ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मित्रपुरुषाय नमः। ओम मातेश्वरी नमः। ओम मातेश्वरी नमः। ओम नवदुर्गाय दशमा विद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमालक्ष्मी अष्टसरते जगज्जननी आदि माता। ओम मित्रपुरुषाय नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गोमाताय नमः। ओम नंदीश्वराय नमो नमः। ओम सना भवतु सनो विनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं आचार्य संजय स्वागत करता हूँ टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं आज ज्योतिष गुरुकुल के यह वीडियो में कन्या राशि वालों का। अब तक मैं दे दिया था कन्या राशि वालों का 2023 कैसा चलेगा। 2023 कन्या राशि, ये कन्या राशि के 2023 मैं कहूँगा बेस्ट बेस्ट द बेस्ट सुपर बेस्ट। ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज कन्या राशि, इस विषय को समझने के लिए पहले बात करते हैं कन्या राशि का ग्रह स्थिति। कन्या राशि से द्वादश में बाबा केतुदेव और साल का शुरुआत में सूर्य शुक्र और बुध मकर और साल का प्रारंभ में शनि देव गोचर करेंगे आपके पंचम स्थान मकर राशि से कुंभ में षष्ठ गोचर, एक पेस्ट गोचर रहेगा और ये कारक भी हैं और मित्र भी हैं। कन्या राशि से सप्तम में बृहस्पति अप टू मार्च अप्रैल तक रहने के बाद अप्रैल से आपके भाग्य स्थान पे अष्टम स्थान पे गोचर करेंगे। अष्टम बृहस्पति का गोचर बुरा मत समझिए। यहाँ आप बोलोगे अष्टम में जाएंगे तो फिर नहीं, अष्टम को एक्टिवेट जरूर करेंगे, लेकिन अष्टम में जब गुरु बृहस्पति जाएंगे तो कन्या वालों का सीधा सीधा यहाँ से आपका जो कन्या राशि वालों का बृहस्पति का दृष्टि यहाँ से सीधा 1 2 3 इनका दृष्टि नवम स्थान पे जाएगा। नवम स्थान किसका? कालपुरुष कुंडली का नवम और आपका कन्या तुला वृश्चिक और ये तो वो को एक्टिव कर देंगे। यानी यहाँ से गुरु बृहस्पति का नाइन्थ दृष्टि ये 7 8 9 धनु के ऊपर अच्छा हो जाएगा ना। भूमि भवन वाहन माता मन का स्थान बृहस्पति का दृष्टि प्लस यहाँ से इनका दृष्टि आपका द्वादश स्थान पे जाएगा खर्चों में कंट्रोल और सीधा सप्तम दृष्टि कन्या वालों का सेकंड हाउस पे आएगा। अच्छा होगा ना, धन का स्थान पे, परिवार का स्थान पे और इधर से शनिदेव आपको रिवॉर्ड रिवॉर्ड बोनस देने आ जाएंगे। राहुदेव यहाँ रहेंगे कब तक? 2023 अक्टूबर नवंबर तक। अष्टम में राहु समस्या देते हैं, नॉट गुड ट्रांजिट, लेकिन बुरे ग्रह बुरे स्थान में अच्छे भी फल देते हैं। कुछ उगाड़ के रखेंगे, गुप्त स्थान पे राहु जाएंगे उल्टा घूमेंगे तो अष्टम का गुप्त स्थान कितना भी छुपाए हुए हो वो उगाड़ के रखेंगे। और समस्या यहाँ भी है क्योंकि अष्टम स्थान पे ये राहु और गुरु बृहस्पति जब यहाँ पर मार्च अप्रैल में गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा तो वहाँ कुछ महीना के लिए बनेगा गुरु चांडालियो, तो वहाँ भी बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है कन्या के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा स्थिति कहीं ना कहीं बिगाड़ का रहेगा। यानी 30% कहीं ना कहीं से बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप जिस भयंकर समस्या से विगत 5 साल से जूझ रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, वो स्थिति से आप निजात पा जाएंगे। क्या? पहला तो कन्या वालों का ये शनि बाबा का चतुर्थ गोचर चल के ढैया बना के दिया। मैं आज से 2.5 साल पहले का बात कर रहा हूँ, तो 2.5 साल में जो ठुकाई होना चाहिए था ठुकाई हो गया। बट कन्या सबको ठुकाई नहीं हुआ, कन्या राशि का किसको ठुकाई हुआ?
साढ़े साती जब चला था और जो लोग नहीं सुधरे थे और अपना कन्या राशि वालों का जो नौटंकी बाकी था उनका ठुकाई यहाँ कर दिए शनि बाबा। ठुकाई करने के बाद बोले आप फिर एग्जामिनेशन लूंगा। तो पंचम शनि मकर राशि में कन्या वालों का पंचम स्थान पे शनि, आप जानते हो ना, इसको पंचम शनि को पनौती शनि कहा गया। और साउथ साइड में अगर जाओगे तो साउथ क्या, हमारे उड़ीसा में भी बोलते हैं, उड़ीसा में क्या बोलते हैं, सुना को धर ले चुना कर दो। मतलब अगर आपके पास जिसका पंचम शनि हो, आपको एक सोना दिया जाए, आप उसको चूना बना दोगे, कैल्शियम बना दोगे। ये सब प्रोवर्ब्स हैं, बोलने वाले बात हैं, लेकिन मैं देखा हूँ ये बड़े मतलब पनौती टाइप व्यक्ति रहते हैं, पनौती बनाता है और बोलते हैं टूटा फूटा मटका में खाएगा, रोड के साइड में खिलाएगा, बिना फालतू का घुमाएगा, अननेसरी लोग आपको यूज करेंगे, भकवा बनाएंगे। और सबसे बड़ा अश्लोजर हमारे उड़ीसा के पुरी में है, बोलते हैं गजमूर्ख गंडमूर्ख, उड़िया में गंडमूर्ख शब्द है, गजमूर्ख महा मतलब हाथी जैसे मूर्ख, हाथी तो मूर्ख नहीं है, मतलब इतना बड़ा मूर्ख, ठीक है, तो वो बना के रख देता है। तो ढाई साल के लिए ये था कि आपको कोई समझाए तो नहीं समझ रहे थे, कोई अगर अच्छा बोलने लगे तो आपका तनाव बढ़ता। तो यहाँ इस समस्या से आपका निजात मिल जाएगा। क्या होगा, छठा में जाने से रोग रिपु रणक में शनि छठा गोचर, तीसरा गोचर और एकादश गोचर, दशम गोचर को लक्ष्मी गोचर कहा गया, धन आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो पहला बात करते हैं 2023 स्वास्थ्य का कंडीशन कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया रहने का संभावना है, तब तक जब तक केतु नहीं घुसे अंदर। तो साल का अप टू नवंबर आप बेफिक्र रहना चाहिए, उस समय कहीं से नहीं दिख रहा है कि आपको रोग रहना पड़ेगा, क्योंकि छठा स्थान में शनिदेव का गोचर आपके लिए, हाँ इधर से पीछे से मंगलदेव आ रहे हैं, वो समस्या कर सकते हैं, लेकिन तब भी इस दोष को खंडित करने के लिए शनि का छठा बड़ा पावरफुल गोचर स्वगृही मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, तो कन्या राशि वालों के लिए एक बम बम का स्थान है। लेकिन सावधान भी रहना चाहिए, शनि जब छठा में जाते हैं रोग रिपु रण को होगा तो ना काटेंगे, नहीं होगा तो यहाँ बढ़ाने का भी काम करेंगे, जो जो थे छुका छुपा हुआ छुपे रुस्तम उन सबको लाएंगे, जिसको बोलते हैं आस्तीन का सांप, फिर अच्छा से ठोक ठाक के डेम डाम के एक कर देंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए ये लाभ का स्थान, कोर्ट कचहरी माली मकदमा जीतने का स्थान, और आपका जो भी ऋण वगैरह बाकी था ये ढाई साल के अंदर परिपूर्ण करेंगे, और जिसके लिए आपका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि सही करके जाएंगे। तो ढाई साल आपके लिए बेस्ट है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कन्या वाले, अगर आपका जो पास्ट टाइम है यहाँ से जो 5 साल का जो आप ट्रेनिंग ले रहे थे, शनि बाबा ट्रेनिंग दे रहे थे, सही से ट्रेनिंग ली हो, माने उन सारे ढैया और पनौती में भी अगर अच्छा काम किए हो, बेस बनाए हो, प्लेटफॉर्म बनाए हो, कुछ काम करके रखे थे और अब तक सफल नहीं हुआ। अच्छा उदाहरण कैसे दूँ, सोच लो यूट्यूब बनाए थे, पैसा नहीं आ रहा था, यहाँ झटका मिलेगा आपको मस्त, अब नहीं किया फिर बोलोगे पैसा नहीं आता है। पकड़ लो ब्लॉग्स लिख रहे थे, पकड़ लो वेब पेज बनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका मानसिक कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण नहीं आ रहा, अब आएगा। अच्छा कोई पर घर बनाने का कोशिश कर रहे थे, आधा अधूरा था, पैसा नहीं मिल रहा था, अब हो जाएगा। तो बहुत सारे काम, करियर खुलने वाले, नया अपॉर्चुनिटी, नया लोग, अब सीन भी चेंज हो जाएगा, पर्दा खुलते ही आप देखोगे ये पनौती और ढैया में जो जो थे अब वो नहीं रहेंगे, आपके पास नया लोग, नया अपॉर्चुनिटी, नया ऑप्शंस, नया काम, नया करियर, बंद हुआ हुआ काम होना, नौकरी अगर चला गया था नौकरी मिलना, ये छठा का शनि सब आपको करके दे देंगे, मूल त्रिकोण में है ना, तो आपके लिए ये बेस्ट कंडीशन है। तो ये स्वास्थ्य का बात खत्म किया, और उसके बाद धन का, भाई ये कन्या राशि वालों का यहाँ से सेकंड हाउस में केतुदेव चल रहे हैं, जरूर दिक्कत कराएंगे, लेकिन और यहाँ पर शनि का भी दृष्टि था, फिर राहु का भी दृष्टि था, और इधर से कहीं ना कहीं से ट्रांजिट में भी आ जाते थे, मंगल का भी दृष्टि यहाँ एक दो बार उस समय, तो थोड़ा समस्या दिया होगा। तो ये आउट ऑफ शनिज दृष्टि एक, फिर ये नवंबर में ये भाग जाएंगे तो ये हाउस आपका फ्री होने लगेगा। आप देखना जनवरी 17-18 होते होते शनि का ट्रांजिट होते हुए दिमाग आपका ओपन आउट हो जाएगा, फ्री फ्लो, हल्का दिमाग खुश, दिल खुश, दिमाग खराब होने लगेगा, दिमाग खराब इन नॉट नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में होगा। फिर बात करने के बाद धन का, परिवार का, ये स्थिति भी आपका अच्छा होने वाला है,
उसके बाद आपका पराक्रम भाई बहन, ये भी आपके लिए सपोर्टिव होंगे, जो अब तक एक जाने से नहीं पूछते थे, आपको प्लेटफॉर्म में सोना पड़ता था, आपको टेंशन होना पड़ता था, ये यहाँ से रास्ता खुल जाएगा। भूमि भवन वाहन, भूमि भवन वाहन मन माह चतुर्थ का स्थिति अगर आपको कहेंगे इतना चीज का, तो ये भी सुख अब आपको मिलने वाला है। कब? ये नवंबर में गुरु शुद्धि हो जाएंगे, आपके लिए मिलेगा, और शनि अभी से ही सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो घर आपको अफेक्टेड होने नहीं देगा। तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज, जमीन मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, तो ये एक बेस्ट कंडीशन आपके लिए बन रहा है ये 2.5 साल के अंदर। तभी मेहनत करोगे तो घर में सोए रहोगे, नहीं मिलेगा। बने च उपबने सिंहम बसति, तो मृगाणाम किं भविष्यति मुखे बताया गया, सिंह अगर मुंह खोल के बैठा है मृग थोड़ी ना मुंह में घुसेंगे, नहीं घुसेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं आपका पंचम स्थान लव अफेयर्स, अब काम बनेगा। पंचमाधिपति इंसेस्टर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा भी दे देगा, और यहाँ छठा का शनि आपको प्रेम अफेयर्स, लव अफेयर्स, एजुकेशन एंड ज्ञान इत्यादि में, जो मूर्ख बना के रखा था, बहुत सारा ज्ञान दे देगा, धन लक्ष्मी ला के प्राप्त करा देगा। हाँ, अगर कहीं ना कहीं से समस्या बनेगा, तो ये जो अष्टम स्थान को लेके बनेगा, क्योंकि अष्टम स्थान आप सॉरी सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि ये फिर से प्रेशर में आएगा, नीचे शनि ऊपर राहु, तो वो एक कंप्रेस जोन रहेगा, दाम्पत्य जीवन को संभाल के रखने का आवश्यकता बहुत है, ये एक समस्या दे सकता है। दाम्पत्य में दुख होना, झगड़ा होना, झमेला झंझट होना, मनमुटाव होना, वाद विवाद होना, स्वास्थ्य में समस्या होना दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी हो सकता है, लेकिन जब तक गुरुदेव बैठे हैं बचा के रखेंगे। गुरु जब अप्रैल में ट्रांजिट करके आगे भागेंगे, तब ये समस्या कहीं गहराने का संभावना दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात कहते हैं आपका भाग्य, भाग्य का सपोर्ट आपके लिए, यहाँ से शुक्रदेव भाग्यश बन रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एक बेस्ट जोन पे जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यस वृष राशि, तो वहाँ मंगल मार्च तक रहेंगे, फिर मार्च को छोड़ के भाग जाएंगे, जहाँ छोड़ के भागे समझ लो भाग्य खुलने का काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रेशर बना हुआ था ये हट जाएगा यहाँ से, और इसके ऊपर जो ग्रहों का कोई शुभ ग्रह का कोई ओपन दृष्टि नहीं आ रहा है, और ये आगे इसका द्वादश में जो राहु रहेंगे, इसको ना भाग्य को विनाश करने के लिए, तो वो भी आगे चले जाएंगे, उसके बाद और ओपन आउट हो जाएगा। तो भाग्य का सपोर्ट, पिता के सुख और विदेश यात्रा, इस प्रकार का बहुत सही ये देने वाला। आगे बात करते हैं आपके लिए करियर का, करियर फील्ड आपके लिए पूरा ओपन आउट शनि सिक्स में जाके, नया मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बहुत सारे नया ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज और लाभ और इन्वेस्टमेंट धन, 2.5 साल आपके लिए बेस्ट है। तो ये जो 2023 है कन्या वालों के लिए, ले दे के एक बढ़िया स्थिति जाएगा, तभी अगर पास्ट में अच्छा काम किए, बुरा काम किए तो फिर भूल जाओ, और अभी भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका शनि बाबा दे के जा रहे हैं, बहुत सारे कष्टों से निजात, बहुत सारे नूतन अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्ति, ये 2023 लेके आ रहा है। अच्छा करिए, अच्छा फल पाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और क्या बोलते हैं बेल बटन भी दबा दीजिए। कुंडली विश्लेषण वाले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर मेरा पे फोन नंबर है 9437580589, भाई ऑलरेडी मेरे पास क्यू में लगे हुए हैं पहले से पैसा देके, तो मैं उनको पहले करूँगा, लोग बाद में दिए हो जो क्यू में आए एक के बाद, क्योंकि प्रेशर है ज़रूर। आप ऐसा नहीं कि आप भेज दिए और मैं कंप्यूटर जैसे निकाल दिया एक पेज, तो जो भी विश्लेषण करने के लिए हो थोड़ा सा क्यू में रहो, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, सबका काम करके दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग स्पेशल वाले हो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, करियर सेक्टर वाले हो, तो ऑलरेडी आप वो मेरा पे फोन में आप दे के अपना मेरे को वो भेज देना व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको क्यू में रख लूँगा, और जब आ गया तो मैं कर दूँगा।